हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट यूक्लिड डिवीजन, यूजेज ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस एससीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय एन एग्जांपल। Use Euclid's algorithm to find the SCF of 135 and 225. Now look at the solution. Step number first. Since 225 is greater than 135, now we apply the division lemma to 225 and 135 to get 225 is equal to 135 into 1 plus 90। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम यहाँ देखते हैं 225 135 से बड़ा है, तो इसलिए जब हम 225 को 135 से डिवाइड करेंगे तो हमें कोसेंट के रूप में 1 प्राप्त होगा और 90 रिमाइंडर मिलेगा। तो इस तरह से हम 225 को इस लेम्मा के अकॉर्डिंग राइट कर सकते हैं। Now look here the remainder r is not equal to 0, so we continue this process until we get r is equal to 0। स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, नाउ 135 डिवाइडेड बाय 90 we get 135 is equal to 90 into 1 plus 45। okay students, but here is also r not equal to 0, so let us continue it for 90 and 45। then step number 3, if we divide 90 by 45, then it is written as 90 is equal to 45 into 2 plus 0। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम देखते हैं, अगर हम 135 को 90 से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट 1 और रिमाइंडर हमें 45 प्राप्त होता है। परंतु यहाँ भी हम देखते हैं रिमाइंडर हमारा 0 नहीं होता है, तो इसलिए इस प्रोसेस को हम अभी भी कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन इस बार हम 135 को 90 से दोबारा डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि जो हमारा यहाँ पे डिवीजर है 90 और जो हमारा रिमाइंडर 45 है, तो इनके लिए हम डिवीजन करेंगे। मीन्स 90 को 45 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये रिजल्ट प्राप्त होगा कि 90 को जब हम 45 से डिवाइड करते हैं तो हमें 2 टाइम्स कोसेंट और रिमाइंडर 0 प्राप्त होता है। तो जैसा कि हम देखते हैं here r is equal to 0, so the divisor is the SCF of 135
एंड 225. ओके, दिस इज आवर आंसर. ओके स्टूडेंट्स, तो यदि लास्ट में जब भी जहां हमें रिमाइंडर जीरो प्राप्त हो जाता है, तो रिमाइंडर जीरो प्राप्त होने के केस में जिस नंबर से हमने डिवाइड किया था वो डिवीजर हमारा एससीएफ कहलाएगा. और इस तरह से हम किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर का एससीएफ यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के अकॉर्डिंग फाइंड कर लेते हैं. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस एक्सप्लोर दिस थ्योरम बाय अनदर एग्जांपल, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q and that every positive odd integer is of the form of 2q plus 1, where q is some integers. Now look at the solution of this questions. Let small a be any positive integer and b is equal to 2, then by Euclid division algorithm we can write it a is equal to 2q plus r, where r is greater than or equal to 0 but less than 2, because b is equal to 2, that is the division, so remainder is always less than 2 for some integer q and r. Now look case number first. If r is equal to 0, then a is equal to 2q plus 0, r a is equal to 2q. In this case a is and even integer. Case number 2, if r is equal to 1, then we have a is equal to 2q plus 1, so we can say that any positive odd integer is of the form of 2q plus 1. Okay, so स्टूडेंट्स, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से हम इस तरह के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि हमने एक एग्जांपल में यहाँ दिखाया है कि आप प्रूव कीजिए कि सभी इवन पॉजिटिव इंटीजर हमेशा 2q के फॉर्म में होते हैं और सभी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2q plus 1 के फॉर्म में लिखे जाते हैं. तो इसे हम इस लेम्मा के अकॉर्डिंग प्रूव कर सकते हैं. लेट स्मॉल ए बी यानी पॉजिटिव इंटीजर, यानी मान लेंगे स्मॉल ए कोई एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है और बी इज इक्वल टू 2. स्टूडेंट्स, आपको यहाँ ध्यान देना है कि बी को हमने 2 ही क्यों माना है, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है उसमें आप देख सकते हैं कि 2q और 2q plus 1 ऐसा लिखा हुआ है, तो इसलिए हम बी जो कि हमारा डिवीजर होता है इसे हम 2 सपोज करेंगे और इसके बाद यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे और जहाँ पे हम a इज इक्वल टू 2q plus r, इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. और r के लिए हम यहाँ पे रेंज डिफाइन करते हैं डिवीजर से, जो कि 2 है, तो r की वैल्यू जो होगी वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन 2 नहीं हो सकती, क्योंकि डिवीजर के बराबर कभी भी रिमाइंडर नहीं हो सकता है. इसलिए r की जो रेंज है वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर, परंतु डिवीजर यानी 2 से छोटा होगा. तो इस तरह से हम रेंज डिफाइन करते हैं. तो हियर आर टू केसेस, बिकॉज इफ r इज इक्वल टू 0 r1 इन केस नंबर फर्स्ट. इफ r इज इक्वल टू 0, केस नंबर फर्स्ट में यदि r की वैल्यू 0 हो तो a इज इक्वल टू 2q हमें फाइंड होगा. हम देख सकते हैं a यहाँ पे एक ऐसा इंटीजर है जो 2q के फॉर्म में, तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी नेचुरल नंबर में जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, एक इवन नंबर ही आएगा. तो इसलिए हम कह सकते हैं a इज एन इवन इंटीजर. इसी तरह से केस नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे अगर r इज इक्वल टू 1 हम पुट करें तो a इज इक्वल टू 2q plus 1 होगा. तो इस तरह के जो भी नंबर्स होंगी वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर को शो करती हैं. सो दिस इज़ द प्रूफ ऑफ this example. Thank you, and you can solve exercise 1.1. okay students.